हे व्हाट्स अप गाइस, मैं आपका फ्रेंड विकी, आपके अपने टाइम विकी की मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं सीखने वाला हूं कुछ चीज। क्या चीज? वो है गिटार। और गुरी अभी थोड़ी देर में आएगा और वो मुझे सिखाएगा गिटार बजाना, और मुझे नहीं आता बिल्कुल भी। और गिटार पड़ा हुआ है, वो भी कभी कभी बजाता है पर उसको बहुत परफेक्टली आता है, बट मेरे को नहीं आता है। तो अभी देखेंगे कि कैसे कैसे वो सिखाता है और वो कैसा अच्छा टीचर बन पाता है कि नहीं मेरा। चलो देखते हैं। कोशिश करते हैं, जब तक नहीं आता गुरी कुछ बजाने का, कुछ बजा पाते कि नहीं। गुरी ये किस चीज के लिए होता है? ये क्या चीज है? इसको बोलते हैं केपो। केपो ये होता है भाई, केपो। ऐसे कुछ दबाते ना। इसकी आवाज भी अच्छी साली की, पता नहीं कैसे होगी अच्छी। और गिटार भी इसको बजाने को आता है। तूने सीखा है बजाना? नहीं भाई, ये गिटार नहीं बजाना, ऑटोमेटिक आता है। मैं तो यूट्यूब से सीखा। अरे YouTube से सीखा यार, मैं भी सीखूंगा। चलो अभी गुरवीर को बोलते हैं, कुछ बजा के दिखाएगा आपको। और मैं भी सीखूंगा। पहले मुझे ये बता कि क्या कैसे चलाते, कैसे क्या चीज है ये? गिटार है, मतलब गिटार है वो मेरे को भी पता है, बट अब स्टार्ट कैसे करेंगे? अगर सपोज अब स्टार्ट करने सारे तो नहीं, कुछ भी सिखाना, कुछ भी स्टार्टिंग, एक ए बी सी डी, ए से सिखा मेरे को, कुछ नहीं आता। ये किसी गिटार है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और इसमें 6 स्ट्रिंग होती है, नॉट इन गिन रहा है दीदी, तो है भी कंफर्मेशन जो है, कंफर्मेशन जरूरी हमारे पास। ठीक है, अब क्या स्टार्ट क्या करूं, ऐसे बजाता हूं। 6 स्ट्रिंग्स हैं, 6 स्ट्रिंग्स के नाम सबसे पहले ई ए डी जी बी ई, ई ए डी जी बी ई, ई ई ये मतलब कि ये स्ट्रिंग्स और 1 2 3 4, ये फोर फिंगर्स, इन दोनों का ही खेल है सारा का सारा। फिजा में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। मिली है एक राजा और हीर जैसी। चलो अभी हम गुरवीर से जानेंगे कि टिकटॉक हो गया बैन, ठीक है। टिकटॉक बैन होने के पीछे गुरवीर अब क्या सोचता है कि सही हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ? तो गुरवीर आप क्या सोच रहे हो कि टिकटॉक क्या, मतलब सही हुआ कि गलत हुआ? देखो भाई, मैंने आज तक कभी टिकटॉक यूज किया नहीं, ना ही मैंने कभी बनाया। पर आपने देखा तो होगा ना, मतलब लोग गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे यार, मतलब भाई इतना, मतलब हाथ जोड़े तुम लोगों के आगे भाई, थैंक यू सच में यार, एक हद हो गई थी, हद हो गई थी, लिमिट से बाहर हो गई थी। मतलब कुछ भी लोग कर रहे हैं यार, लड़के लड़कियां बन रहे हैं, मीठे लौंडे हो गए कहाँ इंडिया एक टाइम था इंडिया, मतलब लोग बोलते कि ना इंडिया से हम टक्कर नहीं ले सकते। ऐसी वीडियो सारे वॉर्नर देखेंगे, वो तो बोलेंगे भाई यहाँ तो मीठे लौंडे ही रहते हैं, चलो जी यहाँ पे तो कब्जा करना है, अंग्रेज तो फिर से आके हमें गुलाम बना देंगे। तो भाई और क्या, उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली में एक किसी की गैरत जागी होगी वकील की, भाई साहब ने याचिका दायर कर दी। अब दायर करने के बाद तो अब भैया ना हाई कोर्ट ने भी सोचा, नहीं यार ये बंदा सही बोल रहा है, हमारी नई जनरेशन, आने वाले नए जनरेशन को तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अब ये चीज़ें देख देख के बच्चे बड़े होंगे तो यही सब सीखेंगे। अब कोई कुछ भी कर रहा है यार, यही सब सीखेंगे टिकटॉक में। हाँ प्लीज टिकटॉक ही टिकटॉक। और यहाँ तक मैंने ऐसा देखा ना, लड़कियाँ मतलब कहीं पर भी बैठी हैं, कुछ भी कर रही हैं, लोग स्पेशल कहीं पर रोड पर खड़े होकर टिकटॉक बना रहे हैं, मतलब बेहूदी की हद हो गई थी। अब मैंने गुरवीर को बोला, तो गुरवीर तू भी बनाना स्टार्ट कर दे। अच्छा वो मैंने बनाना स्टार्ट नहीं किया, इसकी बात सुन के तो। तो हमारे हमारे कुछ दोस्त यार हैं जो बनाते थे, मतलब हद हो गया था, गरीबों का डांस, अमीरों का डांस,
ये फलाना ढिमकाना